प्रीमेच्योरिटी अवेयरनेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है प्रीमेच्योरिटी क्या है ये जानना। जो बच्चे 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पैदा होते हैं उन्हें प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है। पूरे विश्व की बात करें तो 10 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से एक बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर हो रहा है, जिसमें इंडिया नंबर 1 है कहीं ना कहीं। तो बात आती है कि प्रीमेच्योरिटी के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें प्रीमेच्योरिटी के लिए रिस्क फैक्टर्स पेशेंट में मौजूद होते हैं, या तो उनकी एज बहुत ही कम होती है, 20 साल से कम होती है, या अधिक होती है, 35 ईयर्स से ज़्यादा होती है ऐसा देखा गया है। आपको स्मोकिंग की आदत है, या फिर आपको जुड़वा बच्चे हैं, या ट्रिपलेट हैं, या क्वाड्रोप्लेट्स हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल लेंथ छोटी है देखा जाता है, इसे मेजर किया जाता है, या फिर जिसे बच्चेदानी का मुंह कहते हैं उस पर प्रीवियसली किसी भी वजह से किसी तरह की सर्जरी करनी पड़ी हो, या फिर आपको इस प्रेगनेंसी में बीपी की शिकायत है या शुगर की शिकायत है, ऐसे केसेस में देखा जाता है कि प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं वो महिलाएं जिनकी पहले प्रीटर्म डिलीवरी हुई है उनको सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। ऐसे केसेस में जो बच्चे जन्म लेते हैं प्रीमेच्योर उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो उनके ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, देखने में दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, उनको सेरेब्रल पाल्सी नाम की दिक्कत भी हो सकती है जिसमें चलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होती है, एक तरह का न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, साथ में आगे चल के बिहेवियरल एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। तो महिला को पता कैसे चलेगा कि उसे प्रीटर्म पेन्स हो रहे हैं? महिला को हल्का समय से पहले दर्द महसूस हो सकता है, लीकिंग हो सकती है, पानी जा सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, इन सारी चीज़ों के थ्रू उसे पता चलता है कि उसे प्रीटर्म पेन्स हो सकते हैं। तो ये बात आती है कि यदि प्रीटर्म पेन हो तो महिला को क्या करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी है महिला को सबसे पहले अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो असेस करेगा कि महिला का स्टेज अभी क्या है, क्या वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, उस हिसाब तरह से पेशेंट को मैनेज करेगा। क्योंकि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स दिए जाते हैं, नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन्स दिए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के ही सिमिलर होते हैं, और हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। यदि नहीं भी हो सकती है तो कुछ और दवाइयाँ दे के बच्चेदानी को रिलैक्स करके यूट्रस को, बच्चों के फेफड़ों की मजबूती के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं जिससे कि बच्चों की तकलीफ यदि हम कुछ हद तक पैदा होने के बाद कम कर सके। तो ये सब जानकारियाँ आपको आपके डॉक्टर ज़्यादा दी जाएंगी, इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना होगा। सो सही समय पर सही डिसीजन लें। धन्यवाद।